हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी के कपड़ों का कलेक्शन दिखाऊंगी जो बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, इस टाइम इतने डिज़ाइन है कान्हा जी के, तो काफ़ी हद तक हम वीडियो को बनाएंगे तो एक ना एक नया डिज़ाइन आ ही जाता है। तो मैंने अपना कलेक्शन दिखाने के लिए ही आज ये वीडियो बनाई है। और इस टाइम जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो आपको पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए, ये मेरा कलेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कान्हा जी के कपड़े लेस लगा के बनाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। इसमें मेरा गोल्डन है, तो मैंने गोल्डन कोटी लगाई है और फिर इस पर इस तरह से लेस लगा दी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से ही मैंने काफ़ी कपड़े बनाए हुए हैं इनके। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने अंदर केन केन लगाई हुई है। इससे मेरा कपड़ा धुलने के बाद सॉफ्ट भी नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक ये अच्छे रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने, ये देखिए कान्हा जी के, मैंने इस तरह से भी कपड़े बनाए हुए हैं। इसमें भी मैंने यही किया है। फ्रेंड्स, सबको बनाने का तरीका सेम ही है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें भी मैंने, इसमें मैंने केन केन नहीं लगाई है, इसमें मैंने कपड़ा लगाया हुआ है और उसी के ऊपर मैंने इस तरह के ये डिज़ाइन बनाया है। मैंने इसमें लेस लगाई है और ये मेरा इस तरह से सिंपल कॉटन की कोटी बनाई है। इसी तरह से मैंने ये सिल्क के कपड़े का बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी मैंने, इसमें भी मैंने अस्तर लगाया है और इसको भी मैंने इसी तरह से बनाया है। फ्रेंड्स, आप इसको, मैं एक आइडिया बताती हूँ, जैसे आपके पास कपड़े बच जाते हैं तो आप इस तरह से ये डिज़ाइन बना बना के रख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और फिर एक बार बैठ के फटाफट बना लेंगे। ये भी मैंने कान्हा जी का बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी बड़े हैं, तो इसमें मैंने सिंपल फ्रिल लगाई हुई है सिल्क के कपड़े की, और ये मैंने इस तरह से केन केन लगा के इस तरह से मैंने इसको लेस किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने गोटा लगाया हुआ है क्योंकि मैंने कपड़े की झालर लगाई हुई है। ये मैंने, देखिए ये मेरा इस तरह का कपड़ा ही था, इस पर ये मेरे मिरर लगे हुए हैं। इसकी मैंने फ्रेंड्स वीडियो डाली हुई है, मैंने 5 तरह की झालर बताई हैं उसमें, आप उसमें देख सकते हैं इस तरह की ये झालर। ये भी मैंने इस तरह से ही लेस लगाई हुई है। ये देखिए, इसमें मैंने गोटा लगाया हुआ है और ये इस तरह से किनारी वाली लेस लगी हुई है। इसमें मैंने ये इस तरह की लेस लगाई है जिससे कि झालर का लुक भी दे और बॉर्डर भी लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे, देखिए जब कान्हा जी रखते हैं तो आने जाने के कपड़े अलग होते हैं, बाहर किसी त्यौहार के अलग होते हैं, तो इसी तरह से ही मैंने कपड़े के अकॉर्डिंग ही इनका कलेक्शन किया हुआ है। ये देखिए, ये भी मैंने सिंपल मेरा कपड़ा था, उसी में ही मैंने इस तरह से बॉर्डर लगा के, फ्रेंड इस तरह से एक अच्छा लुक आ जाता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं जब हम ये कपड़े पहनाते हैं कान्हा जी को। इसमें मैंने कुछ हटके लेस लगाई है, मेरी मिरर वाली लेस थी, तो ये देखिए इससे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका, इस तरह से। ये देखिए, ये मेरा ब्रॉकेट का कपड़ा था, तो इस तरह से मैंने ये, मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है स्टूल का कवर बनाने में, तो ये मेरा वही कपड़ा था। इस तरह से ये सब बचे हुए कपड़े ही हैं, इनको मैंने एक अच्छा लुक दिया हुआ है। ये देखिए, इसलिए इसको मैंने किनारे पे ना लगा के बीच में लगाया है और इस तरह से मोड़ दिया है। ये देखिए, मैंने सब में ही ये केन केन लगाई हुई है जो बहुत ही सुंदर लगती है। ये गोल्डन कलर का कपड़ा है। ये देखिए, इस तरह की भी झालर मेरी ये फ्रिल भी दे रही है, इसमें मिरर भी है, तो आप लेस अपने अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हैं और उसी के ही अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब जन्माष्टमी भी आ रही है तो नए नए कपड़े आप कान्हा जी को बनाएंगे। ये मैंने कान्हा जी की फ्रेंड जो छठी होती है उस पर येल्लो कलर का कपड़ा बनाते हैं, तो मैंने ये इसी वजह से ही बनाई थी। तो मैं अब आपको अपना दिखाती हूँ कलेक्शन। ये देखिए, ये मैंने इतने सारे, ये 1, ये देखिए 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये मेरे इलेवन ट्वेल्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा कलेक्शन है। आपको जो भी मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको बनाना बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे कान्हा जी का कलेक्शन आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।